नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे सामान्य विज्ञान का पार्ट 10वां, जिसमें आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट ही इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम 3600 से भी ज़्यादा प्रश्न उत्तर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ। यदि आप चैनल तक अभी तक नहीं जोड़ पाए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे पल पल की अपडेट। तो चले दोस्तों, आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आज का, सी ओ गैस का जो गुण होता है यह कैसा होता है। दोस्तों, सी ओ का गैस, जो सी ओ गैस होती है, इसका जो गुण होता है यह उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। और दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में जो बताया था कि CO2 का कैसा गुण होता है, CO2 नामक जो गैस होती है इसका जो गुण होता है यह दोस्तों अम्लीय होता है, और CO गैस का गुण होता है उदासीन। आप यह याद रखिए, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी जो संख्या होती है यह अधिकतम होती है कितनी? अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, ठीक है। चलते आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अम्ल का जो लिटमस पत्र होता है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जो अम्ल का लिटमस पत्र होता है यह दोस्तों यदि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। जो अम्ल होता है, यदि अम्ल लिटमस जो पत्र होता है यदि नीला होता है तो नीले पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं। दोस्तों, अम्ल में हाइड्रोजन तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं। किसके? हाइड्रोजन के परमाणु रहते हैं अम्ल में, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, भस्म यानी कि क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जो क्षार होती है जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है, ठीक है। अम्ल कैसा कर देता है? अम्ल नीले को लाल कर देता है, और जो क्षारीय होता है यह लाल को नीला कर देता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। किसका? लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है दिया सलाई बनाने में, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो कीटाणुनाशक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वह विन रंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो साबुन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है सेपोनिफिकेशन, ठीक है। सेपोनिफिकेशन कहा जाता है साबुन बनाने की प्रक्रिया को। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, रक्त का कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। दोस्तों, रक्त में 55% क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। रक्त में 55% प्लाज्मा पाया जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है। तो श्वसन क्रिया के बाद जो निर्माण होता है वह किसका होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन क्रिया के फलस्वरूप। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों, देखिए श्वसन में शर्करा का क्या होता है। तो दोस्तों, श्वसन में जो शर्करा होती है इसका क्या होता है? इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है। दोस्तों, अमाशय में जो भोजन का पाचन होता है यह अम्लीय माध्यम से होता है। किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है, ठीक है। अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रत्येक वृक्क यानी कि किडनी का जो भार होता है यह कितना होता है। दोस्तों, प्रत्येक किडनी का जो भार होता है 150 ग्राम होता है, यानी कि एक किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर,
24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? दोस्तों कितना करता है? यह लगभग 1.5 लीटर कर लेता है। कितना? 1.5 लीटर कर लेता है 24 घंटे में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, हार्मोन्स का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों हार्मोन्स का क्या कार्य होता है? तो हार्मोन सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या करता है? सभी प्रकार की जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं इनको नियंत्रित करने वाला कौन है? यह हार्मोन्स ही करता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, राइबोजोम किसकी सतह पर होती है? तो राइबोजोम जो होती है यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर होती है। किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर होती है राइबोजोम। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन सा है? तो प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है इसका जो संचालन केंद्र है वह है मेरुदंड। ठीक है, क्या है? मेरुदंड। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई की बात करें तो वह है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन है। ठीक है, इसी के बाद चलते हैं दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मनुष्य में जो मेरुदंड होती है यह कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? ठीक है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? दोस्तों यह कितनी? 31 जोड़ी निकलती हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम है सी ब्रेन। क्या नाम है? सी ब्रेन नामक वायरस भारत में सबसे पहले खोजा गया था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? तो सुहागा का जो रासायनिक नाम है वह रासायनिक नाम है बोरेक्स। ठीक है, बोरेक्स नाम है सुहागा का रासायनिक। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? तो पेनिसिलिन का जो प्रमुख स्रोत है वह कौन सा है? कवक है। क्या है? कवक। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोकीन का जो मुख्य स्रोत है वह इरिथ्रोजाइलोस है। ठीक है, इरिथ्रोजाइलोन कोको। ठीक है, जिसे अब अकबन भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, पित्तरस का स्रावित करता है, यानी कि जो पित्तरस होता है यह कहाँ से सिक्रेशन होता है? तो पित्तरस का सिक्रेशन कहाँ से होता है? यकृत से होता है। कहाँ से? यकृत से होता है, जिसे लीवर भी कहा जाता है। ठीक है, यकृत से पित्तरस निकलता है, यहाँ पर सिक्रेशन होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, फलों का अध्ययन कहलाता है, यानी कि जो फलों का अध्ययन होता है किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो फलों का अध्ययन जो किया जाता है यह पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है वह है सेरेब्रम। क्या? सेरेब्रम जो है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की जो खोज की गई थी यह की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने, जो कि 1901 में की थी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो एंथ्रोलॉजी शाखा में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, लैक्रिमल ग्रंथि श्वसन स्रावित करती है। तो लैक्रिमल जो ग्रंथि होती है यह किसका स्रावित करती है? यह आंसुओं का उत्सर्जन करती है या फिर आंसू निकालती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, रबड़ क्या है? तो दोस्तों रबड़ जो है यह एक प्राकृतिक बहुलक है। क्या है? रबड़ जो है एक प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में जो सर्वाधिक पाया जाता है वह क्या है?
हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है। तो सेफ्टी लैंप जिसने आविष्कार किया था उन वैज्ञानिक का नाम है हम्फ्री डेवी। क्या नाम है, हम्फ्री डेवी नामक वैज्ञानिक ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है। तो समुद्र की जो गहराई है यह मापी जाती है फेदोमीटर से। किससे मापी जाती है, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था यह किया गया था सर आइजक न्यूटन के द्वारा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6×10^6, ठीक है, यह जूल में होता है। और ठीक है यानी कि 3.6×10^6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर परम शून्य ताप पहुँच जाता है। यहाँ पर कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर परम शून्य ताप कहा जाता है। दोस्तों यह कहा जाता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर कहा जाता है, ठीक है। कितने पे, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर परम शून्य ताप कहा जाता है, यानी कि इससे कम ताप फिर नहीं हो सकता, 200 -273 डिग्री सेंटीग्रेड से। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रा क्या होता है। तो ध्वनि तीव्रता का सीजीएस जो मात्रक होता है वह डेसीबल होता है। क्या होता है, डेसीबल होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए जो डॉक्टर यंत्र उपयोग करते हैं कानों में लगाकर, उस यंत्र का नाम है एस्टेथीस्कोप, ठीक है। एस्टेथीस्कोप जो है यह दोस्तों हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने का यंत्र है। इसके बाद दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है। तो थर्मामीटर के आविष्कारक हैं वह है फारेनहाइट। कौन है, फारेनहाइट थर्मामीटर के आविष्कारक है, यानी फारेनहाइट नामक वैज्ञानिक द्वारा थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा, फारेनहाइट के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो यह पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।